हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंट्रोपी। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात किया था, और हमने यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के पहले फैक्टर के बारे में बात किया था, जहाँ हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैसे डिसाइड करती है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, और कैसे मेरे पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मिसकंसेप्शन था उनके माइंड में कि हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होगा वही स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। पर बाद में हमने देखा कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो एंडोथर्मिक हैं फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो सर, मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने पहले के वीडियो से ये सीख लिया कि एनर्जी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। यस, एनर्जी इज द क्राइटेरिया, बट इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अगला कोई तो एक और क्राइटेरिया है जिसके बारे में हमको नहीं पता और जिसको हमको देखना है। सर, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से हमको ये समझ में आने लगा कि आप अगर कुदरत में बहुत सारी चीजों को अगर देखोगे, हर चीज कुदरत में वहां जाना चाहती है जहां वो फैल जाए, जहां उसमें रैंडमनेस आ जाए, जहां वो अपने आप वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करे। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास अगर आइस है, इफ यू हैव गॉट एन आइस विद मी, सर आइस को अगर आप हीट ना करो फिर भी वो मेल्ट हो जाती है, और वो मेल्ट होने के बाद वाटर स्टेट में आ जाती है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। सर, ये रिएक्शन अपने आप होता है, इवन दो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है पर अपने आप होता है। सर, आपने कभी ऑब्जर्व किया, अगर आप झरने का पानी देखते हो, हमेशा ऊपर से नीचे आके गिरने की कोशिश करता है और फैलने की कोशिश करता है। सर, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि अगर आप रॉड को एक साइड से हीट करते हो, इफ यू हीट वन साइड, एनर्जी अपने आप दूसरे साइड में अपने आप चली जाती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि अगर आपके पास एक बलून है और उस बलून में अंदर गैस भरी हुई है, और आप अगर उस बलून को गलती से फोड़ देते हो, सर गैस बाहर निकलेगी और अपने आप फैलना स्टार्ट कर देती है, आपको उसको फैलाना नहीं पड़ता। सर, ये सारे एग्जाम्पल्स में एक ही खासियत है, ये सारे एग्जाम्पल अपने आप होने वाले हैं, यहां आपको कुछ करना नहीं पड़ता। पर सर, इन सारे एग्जाम्पल्स में एक और सिमिलैरिटी है, और वो एक सिमिलैरिटी ये है कि इन सारे एग्जाम्पल्स में रैंडमनेस बढ़ रही है। सर, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमनेस बढ़ रही है? सर, अगर आप स्टार्ट करो बलून से, सर यहां मेरा गैस जो था वो एक लिमिटेड वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड था, वो उतने में ही घूम सकता था, पर जैसे ही आपने उसको प्रिक किया, अब पूरी कायनात उसके लिए है। सर, वो फैलने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू एक्सपांड, और वो रैंडम डिस्टर्ब हो जाएगा। सर, आप अगर यहां देखो, आप इलेक्ट्रॉन्स को जब हीट करते हो, इफ यू हीट इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट मूविंग, और वो वहां से वहां जाना स्टार्ट करेंगे जहां पे उनको ज्यादा स्पेस मिले, ज्यादा रैंडमनेस हो सके। सर, आप आइस की बात करो, सर आइस में सॉलिड स्टेट में एक चीज बैठी हुई है, आपने उसको हीट नहीं किया फिर भी वो अपने आप हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उस स्टेट में जाना पसंद करेगी जहां उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर सके, जहां उसको ज्यादा फ्रीडम मिले। सर, इसका मतलब ये हो गया, जितने भी रिएक्शंस हैं वो अक्सर वहां जाना पसंद करते हैं जहां उनका रैंडमनेस बढ़ता है। सर, इस रैंडमनेस को व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली रैंडमनेस? सर, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स एक पोजीशन पे अपने आप ऑक्यूपाइड रहते हैं, अपनी जगह से माइग्रेट नहीं कर सकते पर अपनी जगह पे वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं। सर, आप लिक्विड स्टेट की बात करो, यस सर, मॉलिक्यूल किधर भी कैसे भी रैंडम स्टेट में रहेंगे, और जहां पर भी रहेंगे वहां पे क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। सर, गैसियस स्टेट, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहेंगे और जहां पर भी रहेंगे रैंडम वाइब्रेशंस करेंगे, सर रैंडम रोट कहीं पर भी घूमेंगे। सर, यहां से वहां जाना मतलब रैंडमनेस इंक्रीज करना, यहां से वहां जाना मतलब रैंडमनेस इंक्रीज करना। व्हाट इज रैंडमनेस देन? सर, इसी रैंडमनेस को हम क्वालिटेटिवली, यानी हम इसको जस्ट थियोरेटिकली या हम इसको वर्ड्स में बोलेंगे कि इसी को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। सर, मैथमेटिकली एंट्रोपी क्या होता है उसको मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करो कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। अगर मैं किसी चीज को अच्छे से अरेंज करके रखता हूं उसका मतलब उसमें रैंडमनेस कम है। यहां मैं रैंडमनेस को हिंदी में यूं कह सकता हूं कि इधर उधर जो हम चीजों को, आप ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक 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 बॉक्स है जिसमें मैंने चीजों को आराम से संभाल के रखा हुआ है, अगर अब उस बॉक्स को पकड़ू और मैं हिला दूं तो सारी चीजें यहां वहां बिखर जाएंगी। तो बिखरना यानी यहां वहां फैलना, उसको रैंडमनेस कहा जाता है, और रैंडमनेस को ही केमिस्ट्री में एंट्रोपी कहा जाता है। और सर, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है साइंटिस्ट का कि हर वो चीज जहां रैंडमनेस बढ़ती है वो अपने आप होती है। सर, कुदरत में हमने बहुत सारी चीजों को देखा है जहां रैंडमनेस होती है और वो चीजें अपने आप होती हैं। तो सर, ये रैंडमनेस या ये एंट्रोपी है क्या? व्हाट एक्चुअली इज एंट्रोपी? सर, एक मिनट, तो कहानी खत्म हो जाती है ना सर। मतलब सर, अगर मैं यूं कहूं कि सिर्फ रैंडमनेस देखो यार, अगर रैंडमनेस ज्यादा हो रही है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर रैंडमनेस नहीं हो रही है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। पर सर, कुदरत में बहुत सारे रिएक्शंस हैं,
जहाँ रैंडमनेस होती है, जहाँ चीज़ें फैलती हैं पर फिर भी वो अपने आप नहीं होती, करवानी पड़ती हैं। जैसे सर डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5 को अगर आप लोगे PCl5 इट गेट डीकम्पोज इंटू PCl3 प्लस Cl2। सर अगर आप यहाँ देखो PCl5 अगर मैं बोलता हूँ यहाँ ये 1 मोल था, सर यहाँ PCl3 और Cl2 यहाँ सर 2 मोल्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ एटम्स बढ़ना मतलब रैंडमनेस बढ़ना। सर कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें रैंडमनेस बढ़ती है पर वो अपने आप होती नहीं है, करवानी पड़ती है। तो सर क्या ये कहना कि सिर्फ रैंडमनेस, ओनली रैंडमनेस इज द क्राइटेरिया? नहीं सर, रैंडमनेस अब सेकंड क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर किसी चीज में रैंडमनेस बढ़ती है, सर बार बार रैंडमनेस ये नहीं कहूंगा, अब मैं डायरेक्ट कहूंगा, अगर किसी चीज में एंट्रोपी बढ़ती है सर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। पर सर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एंट्रोपी पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं सर, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है यार ये एंट्रोपी होती क्या है। आपने अभी तक मुझे क्वालिटेटिवली बताया है, सर इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करो, व्हाई एंट्रोपी बढ़ने पर मेरा रिएक्शन अपने आप होगा, व्हाट्स द नीड? तो सर एक काम करते हैं, एंट्रोपी को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली एंट्रोपी है क्या मैथमेटिकली और हम उस एंट्रोपी को कैसे लिखेंगे।